सारे गामा कारवा, कमाल की चीज। इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर एक बार फिर से दिल से स्वागत करती हूँ मैं, आप ही की रुचि आपके साथ। आज के इस एपिसोड में मैं कुछ ऐसे गाने लेकर के आई हूँ जो कि प्यार में एक बार फिर से आपका विश्वास बना देंगे। आज एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, प्यार भरी कहानी के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि मेरे हिसाब से बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री की ऑफ स्क्रीन सबसे हसीन लव स्टोरी रही है, लेकिन एक ऐसी कहानी रही है जो कभी मुकम्मल नहीं हो पाए। इतनी खूबसूरत लव स्टोरी, लेकिन उतनी ही कॉन्ट्रोवर्शियल लव स्टोरी भी। ये वो जोड़ी है दैट मेड अस फॉल इन लव विद रोमांस, पैशन एंड ऑफ कोर्स लव। मैं बात कर रही हूँ हमारे बिग बी अमिताभ बच्चन जी की और ब्यूटी क्वीन रेखा जी की। इनके अफेयर के किस्से तो हम सब से रूबरू हैं, हमने कहीं ना कहीं ढेर सारी कहानियाँ किस्से इनके बारे में सुने ही हैं। बिग बी और रेखा जी की ये लव स्टोरी, क्लासिक लव स्टोरी की, फिर भी ऐसी कुछ कहानियाँ हैं, ऐसे किस्से हैं जो कि ऑफ द रिकॉर्ड्स रहे हैं और मीडिया से दूर रहे हैं, उन्हें आपके सामने आज मैं लेकर के आने की एक कोशिश करूँगी। आप जानती हैं कि इन्होंने हमेशा कोशिश की कि ये लाइमलाइट से दूर रहें, पब्लिक के सामने इनका ये रिश्ता आ ना पाए। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि मीडिया को पता चल गया कि इन दोनों के बीच में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। बताऊंगी आपको उस किस्से के बारे में कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले इनकी रियल लाइफ लव स्टोरी जो थी, जो लव ट्रायंगल था, उसी के ऊपर बेस्ड फिल्म सिलसिला से गाना लता दीदी और अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में सुना रही हूँ आपको, सुनिए ज़रा। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट,
कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो। किसी राह भी निकलते हो, हमें मिलना ही था हमदम, किसी राह भी निकलते। ये कहां आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। सारे गामा कारवा, कमाल की चीज। इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। रंग बरसे
भीगे चुनर वाले रंग बरसे और किन्ने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया हो रंग रसिया रंग रसिया हो बरसे अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे थारी में जो ना परोसा सोने की थारी में जो ना परोसा अरे सोने की थारी में हाँ सोने की थारी में जो ना परोसा अरे खाए गोरी का यार बलम तरसे रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे इलाची का अरे लौंगा इलाची का भाई लौंगा इलाची का हाँ अरे लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया हाँ लौंगा इलाची का हाँ लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया अरे चब गोरी का यार बलम तरसे रंग बरसे होली है ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वा रंग सिलसिला फिल्म से था ये गाना वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं हूँ रुचि आपके साथ और आज अमिताभ जी और रेखा जी की अनडाइंग लव स्टोरी के बारे में हम कर रहे हैं बात और इन्हीं दोनों के कुछ बेहतरीन गाने मैं सुना रही हूँ आपको। वैसे इन दोनों ने ये तो डिसाइड करके रखा था कि अपने प्यार को कभी भी किसी के सामने पब्लिकली नहीं आने देंगे। कई बार ऐसा हुआ ज़रूर कि दोनों ने डिसाइड किया कि पता दे क्या सामने आ जाए क्या एक दूसरे के साथ ही रहे क्या, लेकिन किसी न किसी कारण से ये लोग अपने रिश्ते को छुपाते ही चले गए। ये तो आप जानती हैं कि इनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी 1976 की फिल्म दो अनजाने के साथ में, जब अमिताभ जी जया जी से शादीशुदा थे लेकिन खबरें तो यही आती थी कि दोनों फिर भी रेखा जी के एक दोस्त के बंगलों पर मिला करते थे। अमिताभ जी हमेशा चाहते थे कि इस मामले पर चुप्पी रखी जाए, लेकिन मीडिया तो मीडिया है, कुछ छुप पाया है क्या मीडिया से। हुआ यूँ था कि एक शॉट चल रहा था और उस शॉट के दौरान अमित जी अपने को-स्टार पर बहुत गुस्सा हो गए थे क्योंकि उस को-स्टार ने रेखा जी के साथ में थोड़ा मिसबिहेव किया था और इसी इंसिडेंट के कारण लोगों को पता चल गया कि दोनों को एक दूसरे की कितनी फिक्र है। वैसे वो कौन सा को-स्टार था जिन पर अमित जी भड़के थे, अपना गुस्सा उस को-स्टार पर निकाला था, ये तो आज तक भी किसी को पता नहीं चला है। लेकिन यश चोपड़ा जी ने भी इनके रिलेशनशिप के बारे में एक इंटरव्यू में कंफर्म किया था
कि हाँ ये दोनों प्यार में हैं, साथ हैं कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ प्यार में हैं। आपको पता है एक बार ऐसा हुआ था कि जया जी अमिताभ जी और रेखा जी को साथ में देख करके रो पड़ी थी, और इसे देखने के बाद रेखा जी ने डिसाइड किया था कि वो पब्लिकली जया जी को कभी भी एम्बैरस नहीं होने देंगी अपने रिश्ते के कारण, रेखा जी और अमिताभ जी के रिश्ते के कारण। ऐसा कब हुआ था कि जया जी रोई थी, वो भी रेखा जी के सामने, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं अमित जी की उस फिल्म से गाना जिसमें उन्होंने पहली बार गाना गाया था, मिस्टर नटवरलाल फिल्म से गाना। लता जी भी हैं साथ में और किशोरदा की भी आवाज़ है, सुनिए ये गाना वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर, मैं रुचि आपके साथ।
ऐसा है समा के हम दिल लगे थामने, जाने क्या पराम दिया हमें इस शाम ने। जाते रस तुम यारों से ये पूछा, एक ही सवाल था हजारों से ये पूछा, कहाँ पे वो फूल है बहारों से ये पूछा, कहाँ पे वो चांद है सितारों से ये पूछा, सितारों से ये पूछा, सितारों से ये पूछा। रात भर हम जिसे ढूंढते रहे अब वो सहर मिल गई। सारे गामा कारवा, कमाल की चीज। इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। बस खुशबू तेरी ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में, धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। Thank you.
आ छुपा लूं तुझे मैं बाहों में। तेरी तस्वीर है निगाहों में, दूर तक रोशनी है राहों में। चल अगर न रोशनी के काफिले हुए, प्यार के हजार दीप हैं जले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो गर्मियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। अमित जी और रेखा जी की इस प्यार भरी कहानी को मैं आपके सामने लेकर के आई हूं आज के इस एपिसोड में। वैसे आपको पता है, रेखा जी काफ़ी आलसी किस्म की एक्ट्रेस हुआ करती थी। आलसी नहीं तो लेड बैक तो मान ही सकते हैं इन्हें। पंक्चुअल नहीं थी, डिसिप्लिन नहीं थी, तब तक जब तक वो अमित जी से नहीं मिली। सेट पर लेट आना तो इनका हमेशा का ही था, दो तीन घंटे बाद ही आती थी वो सेट पर। लेकिन दो अनजाने के सेट्स पर अमित जी से जब ये मिली तो उन्हें मानो देख करके एक अलग रिस्पेक्ट आई थी अमिताभ जी के लिए। वो इतने डिसिप्लिन के साथ में काम करते थे कि उन्होंने रेखा जी को भी फाइनली डिसिप्लिन रहना और पंक्चुअल रहना सिखा ही दिया। लेकिन जैसा मैं आपको बता रही थी कि एक बार जया जी रेखा जी के सामने रो पड़ी थी। हुआ कुछ ऐसा था कि एक बार फिल्म का ट्रायल शो चल रहा था और उसके दौरान पूरी बच्चन फैमिली आई हुई थी और रेखा जी प्रोजेक्शन रूम में बैठी हुई थी। जया जी पहली रो में बैठ करके फिल्म देख रही थी और अमित जी अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ पीछे की रो में बैठ करके ये फिल्म देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि रेखा जी प्रोजेक्शन रूम से इन दोनों को देख सकती हैं, वो भी साफ साफ। एक ऐसा सीन आया था जिसमें अमित जी और रेखा जी का लव सीन था, कुछ रोमांस, कुछ नज़दीकियाँ दिखाई थी इन दोनों के बीच में, जिसे देखते हुए जया जी की आंखें नम हो गई थीं, उनकी आंखों से आंसू आ गए थे और पोंछते पोंछते वो एक फिल्म को देख रही थीं। और बाकी किसी ने देखा हो ना देखा हो, रेखा जी ने जया जी के आंसू देख लिए थे और उस समय रेखा जी जया जी का दर्द समझ पाई थी। एंड दैट वॉज द टाइम जब कहते हैं रेखा जी ने ये डिसाइड किया था कि पब्लिकली कभी वो जया जी को अपने इस रिश्ते के कारण एम्बेरस नहीं होने देंगी। खैर, कुछ इसी कारण से रेखा जी और अमिताभ जी के बीच में भी थोड़ी सी दूरियां आ गई थी, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए ये दूरियां चली नहीं थी। बाद में सिलसिला फिल्म भी इन दोनों ने साथ में की ही थी। फिलहाल सुनाती हूँ आपको सुहाग फिल्म से अगला गाना। और रेखा जी को भी अपना सुहाग मिला था, शादी भी हुई थी, फिर भी क्यों अकेली रह गई रेखा जी, बात करेंगे इसके बारे में कुछ ही देर के बाद। You stay tuned. तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या ना कर यारा, यारा ये बोले जोगी का इक तारा हो। तेरा एक तारा क्या बोले, ओ क्या बोले तेरा एक तारा, मुझे क्या लेना है जोगी, ओ जोगी मेरी शादी मर्जी से होगी हो। जाने दो, हट जाओ, ओ हट
मत जाओ मुझे जाने दो न खनका ओ खनकन कंगना ओ कंगना मुझे नहीं बनना तेरा सजना हो जमले से डरना अब तू इनकार न करना चुप करके बन जा दूल्हा ये लाठी देख ले वरना मत बांधो जबरदस्ती से मत बांधो ओ मत बांधो जबरदस्ती से मेरे सर सहरे की लड़ियां ओ लड़ियां तुम्हें लग जाएंगी हथकड़ियां लव दिस एपिसोड Offline this video now and enjoy this show anytime, anywhere. You are enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. बच्चों आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं शेर की कहानी सुनोगे मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो कई साल पहले की ये बात है
भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। जा रहा था नहीं आ रहा था नहीं नहीं जा रहा था। उफ़ आगे भी तो बोलो ना। बताता हूँ नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय 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 बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था कोई दस सवा दस का बस वक्त था। लरजता था कोयल की भी कूक से बुरा हाल हुआ उस पे भूख से। लगा तोड़ने एक बेरी से बेर मेरे सामने आ गया एक शेर। कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका वो छपका मैं ऊपर वो नीचे वो आगे मैं पीछे मैं पेड़ पे वो पीछे। अरे बचाओ मैं डाल डाल वो पान पान मैं पसीना वो दाल दाल मैं सुर में वो ताल में ये जंगल पाताल में। बचाओ बचाओ अरे भागो रे भागो अरे भागो। फिर क्या हुआ? खुदा की कसम मजा आ गया मुझे मार कर बेसरम खा गया। खा गया? लेकिन आप तो जिंदा है। अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? हाँ वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रुचि आपके साथ। अमिताभ जी और रेखा जी की लव स्टोरी के बारे में आज मैं आपको कुछ ऐसे किस्से सुना रही हूँ जो शायद शायद आपने ना सुने हों। वैसे तो इन दोनों की लव स्टोरी जितनी इन्होंने छुपाने की कोशिश की उतनी ही लोगों के सामने और आती गई। वैसे ऐसा नहीं है कि अमित जी और रेखा जी के अलग हो जाने के बाद रेखा जी ने मूव ऑन नहीं किया। शी डिड मूव ऑन। उनकी शादी हुई थी मुकेश अग्रवाल जी के साथ। हुआ कुछ ऐसा था कि रेखा जी के फ्रेंड ने उन्हें मुकेश जी से मिलवाया था जो कि दिल्ली के बड़े बिजनेसमैन थे। दोनों मिले, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, प्यार व्यार भी हुआ और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। शादी के बाद जब वो लंदन गए थे हनीमून के लिए तब रेखा जी को कुछ तो गड़बड़ लगा। एंड देन शी रियलाइज्ड कि मुकेश जी क्लिनिकली डिप्रेस्ड थे, डिप्रेशन से जूझ रहे थे, काफ़ी दवाइयाँ लेने लगे थे और किसी भी और औरत की तरह रेखा जी को पहले तो लगा कि वो संभाल लेंगी, किसी तरह से एडजस्ट कर लेंगी। लेकिन 3 महीने के बाद मुकेश जी ने रेखा जी को ये बताया कि उनकी ज़िंदगी में कोई और है और ये सुनकर रेखा जी ने मुकेश जी को छोड़ दिया। इन सब के बाद मीडिया थोड़ी ना कोई छोड़ने वाली थी। मीडिया ने काफ़ी बात का पतंगड़ बनाया, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई। मुकेश जी वैसे ही डिप्रेस्ड थे और ये सब कुछ वो झेल नहीं पाए और उन्होंने अपनी जान दे दी। मुकेश जी के सुइसाइड का असर सबसे ज़्यादा रेखा जी पर, उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ पर ही पड़ा था। काफ़ी लोग इस बात से अनजान थे कि मुकेश जी डिप्रेस्ड थे
और इसीलिए जब उन्होंने सुसाइड कमिट किया तो रेखा जी को जिम्मेदार मानने लगे थे लोग। इनफैक्ट डायरेक्टर्स और एक्टर्स भी यही मानने लगे थे और इसलिए उन्हें मूवीज में भी लेना बंद कर दिया था कि शायद कोई नेगेटिविटी है रेखा जी के आसपास, शायद वो बैड लक लेकर के आती हैं अपने साथ में। लेकिन इन सब के बावजूद अमिताभ बच्चन जी थे जिन्होंने रेखा जी का साथ नहीं छोड़ा। दुनिया के सामने नहीं आए तो क्या हुआ, अकेले में सबसे बड़ा सपोर्ट बनकर के अगर कोई खड़ा रहा एक दोस्त की हैसियत से ही सही तो वो अमिताभ बच्चन जी ही थे। और इस समय के बारे में तो रेखा जी भी खुल्लम खुल्ला बताती हैं कि वो समय जो सबसे लो समय था रेखा जी की ज़िंदगी में, उस समय सिर्फ अमिताभ बच्चन जी ही उनके साथ थे। क्यों इन दोनों ने कभी भी शादी का नहीं सोचा? इनफैक्ट एक समय तो ऐसा भी था जब अमिताभ जी पब्लिकली रेखा जी को अपना प्यार, अपनी ज़िंदगी मानने के लिए तैयार भी थे। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों कभी साथ नहीं आए, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। Stay tuned. पहली पहली बार देखा ऐसा जलवा, हो ऐसा जलवा, ये लड़की है या शोला, ये लड़की है या शोला, जवानी में जो शोलों का मजा, हो शोलों का मजा, तो बोलो वो आदमी है क्या, तो बोलो वो आदमी है क्या। जैसी चीज की मनाऊ खैर क्या, हो मनाऊ खैर क्या, मैं तो दोनों जहान से गया, ओ मैं तो दोनों जहान से गया। होगा तेरा मेरा फासला, तेरा मेरा फासला, रब जाने या दिल मेरा, ओ रब जाने या दिल मेरा। कलाई तो न छोड़ूंगा कभी, ना छोड़ूंगा कभी, ओ सोनी ये याद रखना, ओ सोनी ये याद रखना, ओ सोनी ये याद रखना। तौबा तौबा, क्या होगा, होना है जो वो होगा, होता है जो हो जाने दो, जाने वाला जाएगा, तुम ना मानो तो जाने दो। तौबा तौबा, क्या होगा, होना है जो वो होगा, होता है जो हो जाने दो। आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा, तुम ना मानो तो जाने दो।
मुझको इकरार है पर ये बुलबुल कब उड़ जाए कोई एतबार है। एक हवा का मैं झोंका दे जाऊंगी मैं धोखा ऐसा मौका तो आने दो आने वाला आएगा जाने वाला जाएगा तुम न मानो तो जाने दो। क्लासिक के न्यू एपिसोड्स हर थर्सडे रिलीज होते हैं सो प्लीज सब्सक्राइब टू सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन द ऐप ताकि हम हर हफ्ते कुछ नई कहानियों और गानों के साथ मिलते रहें। 18 बरस की तू होने को आई रे 18 बरस की तू होने को आई रे कौन पूछेगा कुछ कर ले सजन कर ले जतन कुछ कर ले खाली बातों से तेरी बात ना बने ही राजा खाली बातों से तेरी बात ना बने ही राजा हमसे न होगा मिलन कुछ कर ले कुछ कर ले जतन कुछ कुछ कर ले
अठारह बरस की तू होने को आई रे, अठारह बरस की तू होने को आई रे, कौन पूछेगा वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि हमारे दिल में मायूसी भी पैदा करती है और खुशी की तरंग भी पैदा करती है। खुशी इसलिए कि ये प्यार इतना गहरा था और मायूसी इसलिए कि ये प्यार कभी पूरा नहीं हुआ। अमिताभ जी और रेखा जी के प्यार के बारे में हम कर रहे हैं बात। हम अक्सर यही सोचते हैं कि अमित जी ने कभी रेखा जी के लिए अपने प्यार को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। मैं बताती हूँ आपको कि इन दोनों के प्यार के बीच में हमेशा से एक और एक कैरेक्टर थी जो कि अमिताभ बच्चन जी से इतना प्यार करती थी कि उनके प्यार को जीत मिलना ज़रूरी ही था। मैं बात कर रही हूँ जया जी की। जब अमित जी जया जी को मिले थे तब वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे एंड जया जी वॉज अ बिग स्टार। जया जी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आती थी। अमिताभ बच्चन जी भी एक फेमस पोएट हरिवंश राय बच्चन जी के बेटे थे। दोनों की फैमिलीज़ जो थी वो सेम लेवल पे थी, दोनों की थिंकिंग मैच होती थी, ट्रेडिशनल होते हुए भी दोनों मॉडर्न थे। दोनों के बीच में थोड़ी सी जम गई और दोनों ने शादी करने का सोचा। इनकी शादी की कहानी भी काफ़ी ही इंटरेस्टिंग थी। एक अपार्टमेंट में घाई घाई में दोनों ने शादी की थी क्योंकि जया जी के फैमिली वालों को पसंद नहीं था कि वो डेट कर रही हैं या लव अफेयर में हैं। वो चाहते थे कि उनकी बेटी जल्द से जल्द शादी कर लें एंड दैट्स हाउ इनकी शादी हो गई थी। रेखा जी अमित जी की लाइफ में काफ़ी बाद में आई थी, इनफैक्ट तब जब जया जी प्रेग्नेंट थी। अमित जी अपने फैमिली के नियम के अगेंस्ट जाकर रेखा जी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने ये रियलाइज़ करना शुरू किया था कि रेखा जी उनकी ज़िंदगी का सच्चा प्यार है। और एक समय ऐसा आया था जब वो चाहते थे कि रेखा जी को वो पब्लिकली एक्सेप्ट करे और जो सही है वो करे रेखा जी के साथ में भी। लेकिन यही वो समय था जब कुली फिल्म की शूटिंग चल रही थी और एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था अमिताभ बच्चन जी का, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। एक ऐसा एक्सीडेंट जो कि उनकी जान भी ले सकता था, लेकिन थैंकफुली सब ठीक हुआ और अमित जी बच गए। ये वो समय था जिस समय जया जी ने इतनी सेवा की, इतना ख्याल रखा अमिताभ बच्चन जी का कि अमित जी रियलाइज्ड कि जया जी उनसे कितना प्यार करती हैं और वो जया जी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। और इस एक्सीडेंट के बाद अमिताभ बच्चन जी ने कभी भी मुड़ करके दोबारा नहीं देखा। आज तक भी लोग जानते हैं कि अमित जी और रेखा जी एक दूसरे को कितना प्यार करते थे, लेकिन जया जी का प्यार इनके प्यार से ज़्यादा बड़ा था। चलिए सुनाते हैं आपको आशा जी की आवाज़ में अगला गाना। किशोरदा भी हैं साथ में, गाना है फिल्म राम बलराम से। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, झूठा कहो चाहे सच्चा कहो, अच्छा कहो बुरा कहो, झूठा कहो सच्चा कहो, हमको सबको भूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हाँ जी भूल हो गई, हमका माफी दे दो। अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, झूठा कहो चाहे सच्चा कहो, हमको सबको भूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हाँ जी भूल हो गई, हमका माफी दे दो। कैसे हो
जैसा हूँ कैसा हूँ जैसा कहो ऐसा हूँ बात पे डालो धूल हमसे भूल हो गई हमका माफी दे दो हमसे भूल हो गई हमका माफी दे दो किसी का पेट भरता नहीं अरे राम का भरोसा जिसे कभी भूखा मरता नहीं जिसे कभी भूखा मरता नहीं Thank you.
अरे है ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। अरे है राम का भरोसा जिसे कभी भूखा मरता नहीं। अरे है ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। इस वीकेंड क्लासिक रेडियो शो को आप एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स। आज इम्तिहान है, इम्तिहान है, आज इम्तिहान है, आज की रात तू मेरा मेहमान है, आज इम्तिहान है। मस्त नजर से are enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ। मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से कहानियाँ और आपके पसंदीदा गानों के साथ।